नकदल इन नेपाली कांग्रेस के कुछ तनापाशाही प्रवृत्ति को अपने अपने कुछ अलग मुद्दे में जा रहा है। देखिए बारह बारह अगर अपने सिर्फ कांग्रेस के है और अभी तक जनता अपने को वोट दे ये आरोप तो अब मतलब देखा जाए तो समाप्त हो गया। चाहत रहा यहाँ सम्मान के बात करते रहिए अपने बीच में काट दिलिए। हम कहाँ करते रहिए कि हमने सभी जनता के संपूर्ण अधिकार सहित आत्मसम्मान हमने के एगो लमहरी एजेंडा है ये वो नाहते हमने एजेंडा में न रख ले। दूसर का एजेंडा है परिवर्तन, इस क्षेत्र में परिवर्तन अभी 35 वर्ष के इतिहास में परिवर्तन जो आज जनता ये माहौल ये परिवर्तन कर दिले है। विकास और समृद्धि के नाम में यहाँ जीरो है, सुशासन के नाम में जीरो है और तो अपने जितनी से मतलब विकास और सुशासन हो ये था अपने निर्भय समाज बनावे के लिए परिकल्पना कर रहे। आज हमारा जीते से पहले समाज निर्भय हो गए है और हर गांव गांव से जनता उठ चुकल है और निर्भय हो गए है और इस सारा एजेंडा लेके हम प्रस्तुत मिली है। आज हम विजय जुलूस की तैयारी में छी और आज हमने सभी कुछ रूट बना ले रूट से हम जा रहा हम इतने जनता के कह चाहे कि हम जितना हम परिकल्पना 9 गो जो हम अपन एजेंडा रखले छी उ 9 गो एजेंडा हम एकदम जबरदस्त ढंग से प्रस्तुति करब। देखा जाए सर देखा जाए तो इस क्षेत्र से जे भी जीतल है के अथी पार्लियामेंट के लिए जे भी जीतल है के वो मंत्री बनल है के अपने के केना मंत्री बने के मतलब केना लाइन मिल रहा है। निश्चित रूप से अपने बहुत अच्छा प्रश्न रख लिया हमें पूर्ण आत्मविश्वास है कि हमने सभी यहाँ के जनता के ताकत ऐसा है यहाँ के जनता के गड़गड़ाहट ऐसा है कि हमारा आत्मविश्वास है कि केंद्र के लोग भी सुन ले हैं और केंद्र के नेता सबके सबके फोन आवे के क्रम जारी हो गए हैं और हम पूरा विश्वास छी कि हमारा मंत्रिमंडल में जैसे भी सहभागी कर मंत्रिमंडल बनल देखा जाए तो अपने स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार छी स्वतंत्र रूप से अभी कोनो पार्टी में ना मिलल छी तो एमे तो देखा जाए तो कोनो एंगल से ही ना मिल रहा है कि अपने मंत्रिमंडल सबसे पहले हम कहना चाहे कि ये देश लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था में चलते रहले लेकिन आज कोनो दल के आज वो स्पष्ट बहुमत न होला है कारण से ई बैसाखी टेकल सरकार बने वाला है कोनो के एकल बहुमत न बने वाला है इसलिए हमने के साथ सहयोग वो सरकार के आवश्यकता पड़ते वही में आवश्यकता के हिसाब से हमने से निश्चित रूप से सहकार्य करते और एगो दूसर का बात कथी है कि ये देश के एगो नमूना के रूप में रहल ये रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 जो सदियों से पिछड़ल है ये क्षेत्र के समेटते से हमारा देखा जाए तो अपने के पार्टी हिमालय पार्टी से भी टिकट न मिल रही अपने स्वतंत्र उम्मीदवार मतलब कैली जहाँ पे बिना कोनो संगठन पार्टी से भी अलग हो गई ये हिम्मत कहाँ से आला कि फिर अगर किरण साहब उम्मीदवारी कर दे रहा है कि तो जीते के संभावना कितना परसेंट हिम्मत कैसे आला अपने आत्मविश्वास कैसे रहा। हमारा तो आत्मविश्वास वही दिन भेल जौना दिन हमारा पार्टी टिकट न दिलक हम निराश होकर काठमांडू से घर चल आबित रहे लेकिन कोई लोग के पता न रहे लेकिन हमारा अगल बगल के स्टाफ से हम कभी कभी सहयात्री करे वाला साथी से पता लगा के हजारों हजार के संख्या में हमने के नेता कार्यकर्ता सभी अलन दूरा पर एक एगो बात करन अपने के पार्टी ने ना टिकट दिलक अपने जनता के टिकट से लड़ू अपने के जीत सुनिश्चित है और जनता के अपार माया प्रेम उत्साह उमंग देखला के बाद में हम आंट कैली और चुनावी रणनीति में आगाड़ी बढ़ ली। आज उ जनता से भी कहीं कतम अपना से पछाड़ू न हिचकिटायल है और हमार प्रतिनिधि से भी हमने के जे नेतृत्व करे वाला समाज के अगुआ रहे हरेक पार्टी के असल मित्र से भी हरेक पार्टी से भी हरेक पार्टी के लोग से भी हमरा निश्चित रूप से वोट दे के नोट दे के हरेक चीज़ दे के हमारा साथ सहयोग दिलन आज हम विजय भेल। देखा जाए तो अपने के अभी स्वतंत्र उम्मीदवार थी आगे अभी यात्रा कोना पार्टी के साथ में जाए वाला हम अभी निश्चित रूप से हम कोनो पार्टी की जोरे जाए से अभी यात्रा न कैले छी। निश्चित रूप से देश और के परिस्थिति देखला के बाद में अपना और ये जनता के से सहमति सहकार करके ही हमने सब आगाड़ी बढ़म। अभी हमने सभी कोनो पार्टी के दल में जाके आबद्ध होकर हम कोनो ऐसा मानसिकता न बनेले छी। देश और राष्ट्र के कैसे हम विकास समृद्धि सुशासन हो अब हम एगो क्षेत्र के मात्रे न रह गेली अब हम देश के एगो माननीय भेली इस देश के हिसाब से देश और राष्ट्र के भी एकदम हमने के साम स्वाभिमान के रक्षा कैसे हुई हमने के क्षेत्र के स्वाभिमान के रक्षा कैसे हुई वही हिसाब से हमने से भी कदम चलाम। अभी कोनो किसी के कोनो पार्टी में जाए के हम मानसिकता न बने क्या है तो दलीय व्यवस्था से अपने सबके पता होगा चाहिए कि दलीय व्यवस्था में हम जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष कैली और सब दल के लोग हमारा साथ उसनकवे व्यवहार कलक जो विगत से लेके वर्तमान सब अपने देख ले हम 5 गो पार्टी से चुनाव लड़ ली
पाँच गो पार्टी से, पहला बार नया शक्ति, दूसरका बार कथि कहले माओवादी, तीसरका बेर जसपा, चौथा बेर एमाले, आज पाँच में अंतिम में आके स्वतंत्र बने के पड़ल। स्वतंत्र अपने स्वतंत्र के बात करी तो कहीं ना कहीं देश में अगर चुनाव में मिले जनता के मत के साथ में धोखा भी मिले, गठबंधन करके चुनाव के लिए तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के देखा जाए तो मुख्य दू गो ऑप्शन रहा किरण शाह या तो फिरदौस आलम, तो कहीं ना कहीं गठबंधन के हिसाब से तो गठबंधन अपने के कैसे लग रहा है? अब गठबंधन के हिसाब से कहम तो गठबंधन न रहा है, वो ठगबंधन रहा है। ये क्षेत्र के ठगे के लिए ठगबंधन बना के जीते के प्लान बनैले रहा है, लेकिन यहाँ के जनता बहुत मने सचेत रहा है। यहाँ के जनता सचेतता के साथ एकदम सचेत पूर्वक अगाड़ी बढ़ के उ ठगबंधन के प्रतिकार कथी मने विपक्ष में वोट दे के हमरा के विजय बनैलक ना। वो जनता के हम ये कहम कि वो जनता के साथ हम कोनो किस्म के मन दुखावे वाला काम न करम, और हम यहाँ के जो संकल्प ले लेती विकास समृद्धि सुशासन के ओकरा हम दृढ़ता के साथ आगाड़ी बढ़ाएं। अपने उम्मीद है कि क्षेत्र के जनता के जो समस्या के ऊपर बहस करबे, पार्लियामेंट में जाकर बहस करबे।